हेलो गाइस एंड वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो विथ अनदर जॉब अपॉर्चुनिटी डायरेक्टली हायरिंग कमिंग फ्रॉम द इन्फोसिस। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कैपजेमिनी की ड्राइव कल के दिन कोलकाता में होने वाला है। जितने लोग भी कैपजेमिनी में जॉब लेना चाहते हो, यू कैन गो फॉर अ वॉक इन ड्राइव। मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले वीडियो बनाया था, आई बटन पर लिंक मिल जाएगा आपको, जगह चेकआउट कर लेना। वीडियो को पॉज करो, पहले कैपजेमिनी का वीडियो देखो क्योंकि कैपजेमिनी का वॉक इन ड्राइव काफी अच्छा है। प्रोजेक्ट बेस की रिक्वायरमेंट है, अगर आप लोग शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो आपका ज्वाइनिंग भी काफी जल्द देखने को मिल जाएगा। फ्रेशर्स वाले अप्लाई करना मस्ट, एलिजिबल हैं तो जरूर चेकआउट करना। और इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग इन्फोसिस से, आप लोग के लिए काफी बड़ी रिक्वायरमेंट आ रही है। इसमें भी आपको अप्लाई करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लोग ड्राइव को अटेंड कर सकते हो। इंटरव्यू आपका 23 अप्रैल को होने वाला है। बता दो फिर, बड़ी बड़ी कंपनीज ऑलरेडी हायरिंग स्टार्ट कर दी है फॉर वॉक इन ड्राइव के लिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग मुझे जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग में से काफी लोग वीडियोज तो देखते हैं बट चैनल को काफी कम लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज टू सब्सक्राइब इस चैनल, सो दैट मैं आप लोगों के लिए इस तरह कंटेंट डेली लेके आता रहूं और मैं आपको जॉब वगैरह तक जो है अपडेट करता रहूं, चाहे वॉक इन ड्राइव हो चाहे वो हायरिंग हो। पेन इंडिया लोकेशन के भी मैं आप लोगों के लिए वॉक इन ड्राइव लेके आऊंगा। आप लोग कमेंट करना आप लोग किस लोकेशन पर हो, आपको कौन से लोकेशन पर कौन सी कंपनी में किस रोल के लिए वॉक इन ड्राइव या फिर डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी चाहिए, आप मुझे कमेंट करना, ठीक है। और यहां पर सैलरी पर काफी अच्छा मिलने वाला है, ओनली इमीडिएट जो है रिक्वायर्ड है, कोई शॉर्ट लिस्टिंग कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। आप लोग किसी भी ग्रेजुएट डिग्री कोर्स ब्रांच से हो सभी अप्लाई कर सकते हो, नेवर मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ओके। तो फ्रेंड आप लोग मेरे स्क्रीन पर जो है देख सकते हो, वर्किंग फॉर फ्रेशर्स डेटा स्किल एट जयपुर ऑन 23 अप्रैल 2024 को आपका होने वाला है। ऑन साइट फुल टाइम एंट्री लेवल का जॉब है आप लोगों के लिए। बाकी इसमें जो स्किल्स का बात करें फ्रेंड, यहाँ पर दो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यहाँ देख लेते हो तो फिर दो क्वालिफिकेशन डिटेल्स, यहाँ पर बैंकिंग डेटा एनालिसिस दोनों ही मेरे प्रोफाइल पर एडिड है, तो आप लोग भी एड कर लेना अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में। और यहाँ पर आपका फ्रेंड जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया गया नीचे आते तो यहाँ पर 23 अप्रैल को होने वाला 10 AM से 1 PM वेन्यू वगैरह दे दिया गया है। यहाँ पर आप लोग सिंपली विजिट करना पड़ेगा अगर आप लोग नियर बाय लोकेशन पर चेकआउट कर सकते हो। थिंग्स टू रिमेंबर व्हाइल एंट्री टू कैंपस क्या क्या कैरी करने पड़ेंगे बता दिया गया। फिर डबल डोज वैक्सीनेशन, फिर वुड बी डिड प्रोसीजर टू नेविगेट RT-PCR, प्लीज वॉक इन वियर मास्क एंड फॉलो कोविड प्रोटोकॉल्स, कैरी प्रिंट आउट ऑफ रिज्यूमे, कैरी एनी 2 फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, ऑल मर्चेंट मार्कशीट वगैरह बता दिया गया। प्लीज फाइंड द जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर रेफरेंस। और यहां पर इमीडिएट जनरेशन जॉइन होने वाले हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। पासिंग ईयर 2019-23 एनी ग्रेजुएट एक्सक्लूडिंग बीटेक एमटेक और एनआईटी होने वाला, इमीडिएट जनरेशन रिक्वायर्ड है, बाकी आप लोग देख लेना। एक और आपका फिर प्रोसेस एक्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है, ये भी काफी अच्छी रिक्वायरमेंट है और यहाँ पर भी बता दिया गया फिर फ्रेशर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। एनी ग्रेजुएट 21 पास आउट और यहाँ पर हैदराबाद लोकेशन बता दिया गया और आपको इंटरेस्ट हो आपको इनको मेल को रेज्यूमे करना पड़ेगा, ओके। आप लोग एक और देख सकते हो फ्रेंड, ये भी रिक्वायरमेंट आप लोगों के लिए काफी अच्छी देखने को मिल रही है। ये आपका 17 अप्रैल को ये होने वाला है ऑन हैदराबाद लोकेशन के लिए, ठीक है। आई थिंक कल के दिन है ना, हाँ कल के दिन ये ड्राइव आप लोग के लिए होने वाला है, ठीक है। बाकी आप नीचे में भी सब देख सकते हो, मेंशन किया गया है, बाकी आप लोग देख लेना, ठीक है, ओके। ऐसा रिक्वायरमेंट है, मैं आप लोग को सभी का लिंक दे दूंगा। और ये आपका इनस्टेप का इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है, जितने लोगों भी इंटरेस्टेड हो आप लोग इसमें चेकआउट कर सकते हो। मुझे दूसरे जय हिंद जय भारत।